हाय एवरीवन वेलकम बैक टू के दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे बहुत से लोगों के बॉडी में कमज़ोरी रहती है बहुत जल्दी वो काम करते हैं मेहनत करते हैं थक जाते हैं उनके जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द रहता है आयरन की कमी होना या खून की कमी होना ये सब समस्याएं अक्सर लोगों में देखी जाती है जैसे दोस्तों हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है मिनरल्स वाइटमिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है कभी कभी केस में हम खाने के ज़रिए अपने डाइट के ज़रिए इन चीज़ों को लेते हैं लेकिन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कई कमियाँ आने लगती हैं तो हमें मिनरल्स वाइटमिनस न्यूट्रिय को बाहर से मेडिसिन के जरिए टैबलेट के ज़रिए सप्लीमेंट के ज़रिए डाइट के ज़रिए लेने की ज़रूरत होती है तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं दोस्तों फ़र्जन कैप्सूल के बारे में फ़र्जन कैप्सूल जो होती है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे क्या इसके बेनिफिट होते हैं इसके अलावा इसको लेना कैसे है क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं फ़र्जन कैप्सूल के बारे में फ़र्जन कैप्सूल जो होती है दोस्तों इसके एक स्ट्रिप में पंद्रह कैप्सूल होती है जिसकी एम आपको बानबे रुपये यानी कि नाइन्टी रुपये में मिल जाती है इसके हम सॉल्ट के बारे में बात करें इसमें आयरन होती है जो कि पचास एम में होती है वहीं पर दोस्तों इसमें फोलिक एसिड होती है एंड दोस्तों इसमें जिंक होती है दोस्तों फर्जन कैप्सूल जो होती है इसके हम बेनिफिट के बारे में बात करें तो जैसे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो है यानी कि आप एनीमिया के शिकार होने लगते हैं जिसमें आपकी स्किन पीली दिखने लगती है आपके आंखों के अंदर जो कंजकटाइवा होती है या आपकी जो आईलिड होती है वहाँ येलो टाइप दिखने लगते हैं उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं इसके लेने से आपके बॉडी में जो इंटरनल ताकत होती है वो बढ़ती है खून की कमी जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है यानी कि इम्यूनिटी जो रहती है वो स्ट्रांग होती है साथ ही साथ दोस्तों इस कैप्सूल को लेने से आपके जोड़ों में मांसपेशियों में अगर दर्द रहता है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है अगर दोस्तों आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है तो फर्जन कैप्सूल का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको आयरन की कमी होती है तो आपको हेयर फॉलिंग की समस्या देखने को मिल सकती है आपको अनिद्रता की शिकायत देखने को मिल सकती है इसके अलावा आपके नाखून कमज़ोर होते हैं आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस केस में आप फर्जन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं इसके लेने से आपके बॉडी में इम्यूनिटी के साथ साथ आपके बॉडी में प्रोटीन का भी निर्माण होता है एनर्जी का भी निर्माण होता है जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी फील होती है आप अपने आप को हेल्दी फील करते हैं दोस्तों इसमें जो फोलिक एसिड होती है ये आपके ब्रेन फंक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है इसके अलावा दोस्तों फर्जन कैप्सूल जो होती है आप प्रेगनेंसी में महिला को दे सकते हैं अक्सर इसमें जो फोलिक एसिड होती है फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में अक्सर दी जाती है डॉक्टर देते हैं गाइनिकोलॉजिस्ट देते हैं क्योंकि फोलिक एसिड जो होती है आर यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ब्रेन फंक्शन में हेल्प करते हैं इसके अलावा जो फोलिक एसिड होती है जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आई डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चे के बॉडी में कोई डिफेक्शन ना हो कोई प्रॉब्लम ना हो या बच्चे के जो स्पाइनल कार्ड होते हैं उसको डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मदद करती है तो अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम फोलिक एसिड दी जाती है तो फर्जन कैप्सूल जो होती है आप प्रेगनेंसी में महिला को दे सकते हैं लेकिन आप अपने एक गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के अंडर में सुपरविजन में ही इसका यूज करें इसके अलावा दोस्तों जैसे आपकी सर्जरी हुई होती है या आपको चोट लगी होती है आपको घाव हुई होती है तो ऐसी कंडीशन में फर्जन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं आपके घाव को भरने में जल्दी मदद करता है दोस्तों आप बात करेंगे कुछ सावधानी के बारे में कि जो फर्जन कैप्सूल होती है क्या सावधानी होनी चाहिए लेने से जैसे अगर आप फर्जन कैप्सूल लेते हैं तो चाय का सेवन ना करें यानी कि चाय अगर पीते हैं तो आप एक घंटा बाद पिए इस फर्जन कैप्सूल को लेने से क्योंकि जो चाय होती है यानी कि जो टी होती है ये आपके आयरन के एब्जॉर्बसन को रोक देता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अब दोस्तों दूसरी बात जो है जैसे अगर आप आयरन लेते हैं यानी कि जो फर्जन कैप्सूल लेते हैं इसके साथ अगर आप वाइटमिन सी लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्जन कैप्सूल जो होती है इसके डोज के बारे में आपको सुबह जब भी आप नाश्ता करते हैं सुबह में तो उस टाइम एक कैप्सूल आप सेवन कर सकते हैं यानी कि यूज कर सकते हैं खा सकते हैं पानी के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है आपके शर में दर्द हो सकता है आपको पलटी या मतली हो सकती है आपके पेट में दर्द हो सकता है इसके अलावा दोस्तों आपके लेटरिन का कलर भी चेंज हो सकता है यानी कि डार्क स्टूल हो सकता है तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं फर्जन कैप्सूल के तो दोस्तों यही पूरी जानकारी फर्जन कैप्सूल के बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें मिलता है एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच